स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। नए साल के जश्न और वर्ष 2023 को अलविदा कहने के लिए अब महज कुछ ही घंटे का समय बाकी रह गया है। साल 2023 को यादगार बनाने के लिए लोग देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, और जब बात यादगार बनाने की हो तो हम उत्तराखंड को कैसे भूल सकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड अपने आप में ही बेहद खास है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के खान पान और यहाँ के लोग, ऐसे में देश के कोने कोने से पर्यटक गढ़वाल हिमालय के खूबसूरत हिल स्टेशनों की ओर रुख कर रहे हैं अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को यादगार बनाने के लिए। सूबे की सबसे खूबसूरत विंटर डेस्टिनेशन औली और पर्यटन नगरी जोशीमठ भी 31st और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल जिला प्रशासन सहित पुलिस विभाग, फॉरेस्ट और स्थानीय पर्यटन कारोबारियों ने अपनी सभी तैयारियां कर ली है, और पर्यटक भी धीरे धीरे औली और जोशीमठ की तरफ पहुंच रहे हैं। एंजॉय करा, बहुत पीसफुल था और स्नो में भी बहुत मजा आया। टोटली वर्थ इट है। हम अभी अभी औली पहुंचे हैं, बर्फ थोड़ी कम है पर है, जितनी है काफी है, मजा आ रहा है। साइड में देख रहे हैं, हम स्कीइंग भी कर सकते हैं, थोड़ा कम एरिया है पर मजा आ रहा है। बर्फ देखने का यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। बाकी पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ पे, हिमालय, और भी अच्छा लग रहा है हमको। बाकी चाय वाय मैगी खाई हमने अभी। जोशीमठ से लेकर औली तक होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, होमस्टे और लॉज पूरी तरह सज धज कर तैयार हैं। तो वहीं औली रोड टीवी टावर से लेकर औली टॉप तक स्थानीय पर्यटन कारोबारियों की दुकानें बर्फानी सामानों, गर्म ऊनी कपड़ों, बर्फ में चलने के लिए जूतों की दुकानों सहित स्थानीय उत्पादों और गढ़वाली पहाड़ी लजीज व्यंजनों की दुकानों जैसे मोमोज, चाउमीन, कॉफी, मैगी सेंटरों पर अभी से जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं औली में होटल, होमस्टे, रिजॉर्ट में बुकिंग लगभग फुल हो चुकी है। अब पर्यटक लोअर औली, जोशीमठ, पांडुकेश्वर, तपोवन की ओर भी रूम बुक कराने के लिए रुक कर रहे हैं। नए साल से पहले औली गौरसो की वादियां पूरी तरह पर्यटकों की आमाद से गुलजार है। तो आप अपना नया साल किस तरह मना रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।